हाय गाइड्स, आप लोग को मालूम है आज जो है बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है सेलार, जो कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने 7:30 बजे ऑलरेडी देख ली है। और दोस्तों, मूवी देखा जाए तो जिस तरह से बनाई गई है, जो प्रशांत नील सर ने जो मेहनत उस पर की है, दोस्तों मैं एक बात बोलूँ आपको, बुरा मत मानना, ये जिस तरह से इन्होंने पूरी गोलियां चलाने और फिर यहाँ पे जो गैंगस्टर लोग को भरे हैं, और जिस हिसाब से दो दोस्त की कहानी है, जैसे आप लोगों ने देखा था कुल्हार गोल्ड का जो मतलब यहाँ जो उन्होंने KGF बनाया था, सेम इन्होंने नाम रखा है, अलग तरीके का नाम रखा है, खालसार। दोस्तों ये जो है एक ऐसी मतलब बहुत बड़ी एक दुनिया है, जो कि वो दुनिया में घुसने के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनाया है जिसके अंदर कोई घुस ना सके। और वो उसके अंदर घुसने के पहले कुछ है फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं, कुछ अंगूठा सा छाप या तो कुछ एंट्री करना पड़ता है, तब आप वो अंदर घुसने के बाद जो है वो बहुत बड़ी दुनिया है। कम से कम 50-100 किलोमीटर की दूरी में वो पूरी की पूरी दुनिया बनाई गई, और उसके अंदर जो जितने भी हर एक जगह के हर एक मतलब जैसे यहाँ पे छोटे छोटे नगर सेवा के MLA ऐसे रहते ना, ऐसे वहाँ पे जो है मतलब हर एक शहर के जो है एक को मुखिया बनाया गया है, जिनको एक अलग अलग तरीके से उन्होंने ये रखा है कि ऐसा जो नथनी पहनने का जो है ये जो पहना वो बहुत बड़ा मतलब कोई ना कोई वो कहीं ना कहीं का मुखिया या तो कुछ है वो इसके हिसाब से, और कड़ा पहना रहता था, कड़े का सिस्टम है, मतलब पुराने टाइम जो है सिर्फ ऐसे कुछ चलते रहता था, और ये नथनी पहनने का यहाँ पर तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बात है। और इसको देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही जो इसमें जो दो दोस्त जो हैं लड़ते हुए आते हैं, लेकिन इसमें जो प्रभास जो हैं और ये दोनों दोस्त जो है आते हैं, और इसमें एक सिस्टम बनाया रहता है, वो सिस्टम में जो है प्रभास की माँ और ये फंस जाते हैं और उनके पिता की हत्या हो जाती है, और फिर उसको मारने के लिए पूरा का पूरा जो है कोल्लार्स जो है एक नियम रहता है कि उन्हें मार दिया जाता है, मारने के लिए आते हैं। और फिर वही जो दोस्त है बचपन में ही जो है मतलब ये दोनों दोस्त जो है कट्टर दोस्त रहते हैं, बचाने के लिए जब एक दोस्त अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है तो एक माँ को बचाने के लिए एक दोस्त खड़ा हो जाता है। दोस्तों ऐसे बहुत अच्छी कहानी है, और इतनी अच्छी कहानी है दोस्तों, आपको फर्स्ट हाफ में हो सके आपको कुछ ना समझ में आए, आप समझे कि मूवी बेकार है, मूवी अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं, प्रशांत नील की यही एक खासियत है, धीरे धीरे आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं वो, और धीरे धीरे आपको समझाना चाहते हैं कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों मानना पड़ेगा हर एक सीन जो है, हर एक जब प्रभास इसमें बताते हैं, जब उनके दोस्त जो है लेने के लिए जाते हैं, लेके आते हैं, और आने के बाद जो है कुल्हार यहाँ पर फिंगरप्रिंट देख करके जब अंदर जाते थे, डायलॉग होता है, डायलॉग बोलते हैं वहाँ पे जो बैठा था, बोलता है ये मालूम है ये दीवार क्यों बनाया, इतनी बड़ी ऊंचाई दीवार कि कोई भाग ना सके, तो वही उसी पे बोलते हैं ये अपना प्रभास बोलते हैं कि ये नहीं है, इतनी बड़ी दीवार इसलिए बनाई गई है कि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, कोई अंदर से बाहर ना भाग सके, ऐसा नहीं है बाहर से अंदर ना जा सके। दोस्तों ये डायलॉग बहुत डिफिकल्ट डायलॉग है, लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा प्रशांत नील सर को उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया है ना, वाह वाह काबिले तारीफ है, और मैं देख के दोस्तों तंग रह गया, इतना ज़बरदस्त। और इंटरवल तो था ही, मैं समझ रहा था कि धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह राजा मौली सर ने बाहुबली में मतलब जिस तरह से मूवी लेके गई, और सेकेंड पार्ट में उन्होंने लग रख दिया कि बाहुबली का टपक के मारा, इसी तरह इसके अंदर है कि लेके धीरे धीरे लेके जाते हैं। और एक सीन जो है मेन बहुत अच्छा है इसके अंदर, जो पहली बार फाइट होती है जो औरतों के लिए जो है लड़ते हैं ये अपने प्रभास, वो मस्त सीन है वो, आपका उसमें ही पैसा वसूल है। तो दोस्तों ये मूवी एक नंबर मूवी बनी है, और इसे जो है स्टार सिर्फ 5 स्टार बनाया है, नहीं तो मैं इसे कितने भी स्टार दे, बहुत अच्छी मूवी बनी है, आप जाओ देखो थिएटर में, आपका पैसा लो, लेकिन दिमाग शांत करके, ये नहीं इंटरवल में उठ के भाग जाओ, पूरी मूवी देखो, सेकेंड पार्ट भी आएगी, लेकिन इसका क्या है आप एक भी सीन छोड़े तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं खुद ही टॉयलेट करने गया तो भाग के आया जल्दी से,
दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, आप देखेंगे ना मानना पड़ेगा दोस्तों। ये आप जो है जाइए और देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये मूवी एक नंबर है, और हो सकेगा तो कल मैं और वापस एक बार देखूँगा, क्योंकि पेट नहीं भरा दोस्तों, तो हो सके गेटी में देखूँगा। तो दोस्तों इस मूवी को मैं देता हूँ पूरे के पूरे 5 स्टार, क्योंकि इंटरवल में भी दिया था, मैं ये बोला था कि परेशान नहीं लगा लास्ट तक पकड़ के रखेंगे, तो मैं इसे पूरा का पूरा रेटिंग दूँगा। तो मैं इसे देता हूँ 5 स्टार, और ये मूवी धीरे धीरे चलेगी और पब्लिक में पकड़ बनाएगी और पब्लिक को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं ये चाहूँगा बॉलीवुड क्रेजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।